मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से आजादी दिन का बधाइयां हो। हमारा देश का 77वां साल का आजादी का दिन है। बड़ी और खुशी आनंद है ना? थोड़ा से सोचना है, इस आजादी का आनंद को पिछले 77 साल से हम इतना अच्छा से मना रहे हैं, लेकिन हमारा देश का हालात को देखिए। क्या लोग अभी बंधन में हैं? अभी भी हमारा देश का हालात को देखिएगा। परमेश्वर एक वचन कहता है, योएल 2:21 वचन में, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। इस देश की उन्नति के लिए वादा करता है परमेश्वर। वादा को पूरा करने के लिए मैं दुआ करना है, यहोवा बड़ा कार्य आपका देश में करना। तो आपका देश की कमी को परमेश्वर की चरणों पर रखकर आप जो है दुआ करना है। आजादी पाके 77 साल हो गया, क्या हम सारे इलाका में आजादी को पाए हैं? थोड़ा से सोचना है। एक सर्वेक्षण इस प्रकार कहता है, हमारा हिंदुस्तान में प्रतिदिन 4 करोड़ लोग रात में भूखे में ही सो जाते हैं, वो भूखे ही रहते हैं। सरकार भी इसको मानता है। इसका मतलब करोड़ों लोग जो है खाने के लिए भी उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक छोटे से झुंड जो है पैसा को ऊपर पैसा बटोर के और करोड़पति के रूप में बनते जाते हैं। क्या हमारा देश, इसकी संविधान इतनी बड़ी है, इस संविधान के अनुसार क्या सारे राजनीति नेताएं इसकी बातों का सही मानते हैं? इस देश का अधर्म बढ़ गया है, इस देश का पाप बढ़ गया है, चारों तरफ में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इस देश में आप देखिएगा कम से कम 75 लाख से ज्यादा व्यभिचारियां रहते हैं। इसको भी सर्वेक्षण कहता है और सारे लोग भी इसको मानते हैं। और एक तरफ देखिए, इतना नशा बढ़ गया, सारे विद्यार्थियां और सारे स्कूल में कॉलेज में भी इतना प्रकार की नशीली पदार्थें काम करते हैं। एक तरफ मांत्रिक काम भी बढ़ गया है, इसका मतलब देश जो है पाप को पर पाप करते हैं और श्राप इस देश में बढ़ चुका है। तब हमारा कर्तव्य ये बनता है, ये सारे अपराध को परमेश्वर तू ही दूर करना। हमारा देश में श्राप को ऊपर श्राप बढ़ गया है, पाप को ऊपर पाप बढ़ गया है। तू हमारा देश में बड़े बड़े कार्य को तू करना है करके प्रार्थना करना। जी हाँ, इस वक्त करोड़ों लाखों लोग मिलके इस प्रकार हमें दुआ करना, हे परमेश्वर हमारा देश में जो अपराध बढ़ चुका, जो भ्रष्टाचार बढ़ चुका, तू इस देश को बदलना है। तूने वादा किया है बड़े बड़े कार्य को करने के लिए, तो हमारा देश में इस प्रकार की बड़े कार्य को तू करना है, तू बदलना है। आज हम सब मिलके इस अपराध को, इस श्राप को बदलने के लिए प्रभु एक मन से हम प्रार्थना कर रहे करके आप आज दुआ करना होगा। इसलिए परमेश्वर आपसे मुझसे यही चाहते हैं, हम सब मिलके इस देश के लिए दुआ करना। इस देश से परमेश्वर इतना प्रेम करता है, इसलिए सारे लोगों को एक अच्छे समृद्धि का जीवन मिलने के लिए और सारे लोगों को सही न्याय मिलने के लिए यदि हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर इस आशीष को परमेश्वर देना चाहते हैं, क्योंकि कारण है परमेश्वर इस देश से अत्यंत प्रेम करते हैं। सारे लोगों को परमेश्वर आशीष को, चंगाई को देने के लिए चाहते हैं। हमेशा स्वार्थी होके अपनी बातों के लिए दुआ नहीं करना। मेरा देश है, मेरा देश की आशीष के लिए मैं ही दुआ करूंगा, मेरे देश को तू आशीष देना करके इस प्रकार प्रार्थना करने से परमेश्वर का मन खुश होगा। बोझ के साथ आज दुआ करना होगा। आजादी पाके 77वां साल हो गए, हम आजादी के दिन को मनाने के लिए तैयार है। इस दिन आज के परमेश्वर आशीष देने के लिए, देश के सारे श्रापों को और पापों को बदलने के लिए, परमेश्वर इस देश के श्राप को तू बदलना, इस देश को आशीष को तू देना है, इस प्रकार की अपराध को तू बदलना करके क्या प्रार्थना करने के लिए आप तैयार है? इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें। हे परमेश्वर, हमारा हिंदुस्तान को तू प्रेम करता है, उसी प्रेम करने के द्वारा ही परमेश्वर क्रूस पर तूने इन लोगों के लिए अपने प्राण को दिया है। परमेश्वर मैं भी अपने हिंदुस्तान से प्रेम करता हूँ, इनकी आशीष के लिए दुआ करता हूँ। हमारा देश को अशुद्ध करने वाला सारे अपराधों को, सारे पापों को दूर करते हैं।
तेरे लहू के द्वारा हमारे देश को शुद्धिकरण करना है, तेरे लहू के द्वारा हमारे देश की पापों को शुद्धिकरण करके तू आशीष देना है। हमारा देश का नागरिक सारी प्रकार को आशीष को पाना है, इनकी पापों को दूर करना है। यीशु मसीह के नाम से आशीष देके प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन।